बीजेपी पदाधिकारियों ने उनके तैयारियों भव्य तैयारियां की है उनके स्वागत के लिए। यूपी बीजेपी से नवनियुक्त अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह आज पहुंचेंगे लखनऊ और उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। लखनऊ में हर जगह बैनर और होल्डिंग्स लगाए गए हैं, उनको शुभकामनाएं दी गई हैं। यूपी बीजेपी से नवनियुक्त अध्यक्ष आज पहुंचेंगे लखनऊ। बीजेपी पदाधिकारियों ने की हैं भव्य तैयारियां। स्वतंत्र देव सिंह आज संभालेंगे अपना कार्यभार। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष जी, स्वतंत्र देव आज लखनऊ आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जातिवाद के आधार पर चुना है उन्होंने, कुर्मी वोटों को साधने के लिए एक बार फिर स्वतंत्र देव सिंह को कमान दी गई है। जिस तरह 2017 की हम बात कर लें तो केशव मौर्य ने इसकी अगुवाई की थी और पटेल समाज से वो आते थे। और खासतौर से अगर बात कर लें कुर्मी समाज है, खासतौर सपा की अगर बात कर लें तो उसके भी अध्यक्ष जो है नरेश उत्तम है, वो भी कुर्मी समाज से ही आते हैं। तो इस तरह जातिगत समीकरणों को साधने के लिए एक बार फिर भाजपा ने स्वतंत्र देव सिंह को कमान सौंपी है और उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आज स्वतंत्र देव सिंह का जो है लखनऊ आगमन है, इसको लेकर के भव्य तैयारियाँ हैं। हम उसकी एयरपोर्ट से लेकर के पूरे रास्ते में बैनर पोस्टर से पटा हुआ है। सारे विधायक नेता ने स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई के लिए बैनर लगा रखे हैं। स्वागत समारोह भी होगा भाजपा कार्यालय में, इसको लेकर के पुरजोर तैयारियां भी है। लेकिन सबसे बड़ा अगर बात कर लें कि जिस तरह से आगामी चुनाव 2022 में होने जा रहा है विधानसभा, इसको लेकर के स्वतंत्र देव सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है बीजेपी हाईकमान ने। इसको देखते हुए क्योंकि अनुप्रिया पटेल जो मिर्ज़ापुर से आती हैं वो भी खासी नाराज थे, उनको मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया है इस बार। इसको लेकर के हालांकि स्वतंत्र देव सिंह मिर्ज़ापुर को ही बिलोंग करते हैं लेकिन उनकी कर्मभूमि जो है वो बुंदेलखंड है। तो इसके लिए दो प्रदेशों को उन्होंने साधा, दो राज्यों को उन्होंने, दो जनपदों को साधा है उन्होंने। खासतौर से अगर हम बात करें मिर्ज़ापुर के साथ साथ जहाँ बुंदेलखंड को लेकर के स्वतंत्र देव सिंह को एक बेहतर नेता माना जा रहा है, उस तरह यूपी के जिस तरह से अगर वोट प्रतिशत की भी बात करें तो 55% वोट प्रतिशत जो है पिछड़ा वर्ग ही है उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर के अगर स्वतंत्र देव सिंह ने जातिगत समीकरण को बेहतर ढंग से साधा तो निश्चित रूप से 2022 में बीजेपी के लिए चुनौतियां बेहद कम होंगी और बहुत ही आसान जीत वो तय कर सकती है। स्वतंत्र देव सिंह परिवहन मंत्री थे, उनसे परिवहन मंत्री पद अभी परिवहन मंत्री पे कार्यरत थे लेकिन अब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई अटकलें लगी थी, कई नेताओं के नाम उभर के सामने आए थे लेकिन जो हाईकमान से निर्देश आया उसमें स्वतंत्र देव सिंह को सबसे बेहतर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और आज उनकी ताजपोशी होगी लखनऊ में। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। यूपी बीजेपी से नवनियुक्त स्वतंत्र देव सिंह आज लखनऊ पहुंचेंगे। स्वतंत्र देव सिंह आज संभालेंगे अपना कार्यभार।